जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीम का अलग अलग तरह का बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाएंगे। ना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा सीम का हम ग्रेवी वाला सब्जी बनाएंगे और थोड़ा सा का अचार बनाएंगे और थोड़ा सा का हम सूखी सब्जी बनाएंगे। तीनों रेसिपी सीम का बहुत टेस्टी बनने वाला है। इसका रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम सीम को अच्छा से साफ कर लेंगे, दोनों तरफ से तोड़ लेंगे। एक और सीम को हम तोड़ लेते हैं। दोनों तरफ से इस तरह से ऐसे तोड़ लेंगे और बीच से तोड़कर ऐसे चेक कर लेंगे। सीम के अंदर में कीड़ा भी रहता है, ऐसे खोल कर चेक करके और बीच से दो टुकड़ा कर देंगे। इसी तरह से सभी सीम को हम साफ कर लेंगे। सीम को हम अच्छा से साफ कर लिए हैं। इसमें से हम थोड़ा सा सीम का पहले अचार बनाएंगे। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी से साफ कर लेंगे। का अचार बनाने के लिए सीम को हम बॉयल करेंगे। थोड़ा सा पानी रखेंगे, पानी को गर्म होने देंगे। ये हमारा गर्म हो रहा है तब तक अचार बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें पीला सरसों रखेंगे, काला सरसों, जीरा, धनिया और लाल मिर्च, इन सबको हल्का रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना रहता है, बस थोड़ा सा गर्म करना रहता है। ये गर्म हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम सीम को रख देंगे। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर रखेंगे, थोड़ा सा नमक रखेंगे, ऐसे मिक्स कर देंगे। इसे ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा नरम कर लेंगे सीम को। थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। सीम हमारा थोड़ा सा नरम हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और पानी को ठंडा होने तक सीम को इसी में रहने देंगे। सीम को अब हम पानी से निकाल लेंगे। सीम अब नरम हो गया है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना रहता है। सीम को पानी से निकाल लेंगे। सेम का अचार बनाने के लिए अब हम कढ़ाई में सरसों तेल रखेंगे। तेल को अच्छा से गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब इसमें हम ये पांच फोरन रखेंगे, हींग रखेंगे। अचार का जो मसाला हम तैयार किए थे वो रखेंगे, कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च रखेंगे, हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर, नमक, अजवाइन, इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें सेम रखेंगे, सेम के साथ मसाला को अच्छा से मिक्स कर देंगे। सेम का अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये अभी से ही इसे सर्व कर सकते हैं। इसको हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। इसमें थोड़ा सा धूप लगा देने से 10 से 15 दिन तक अचार हमारा खराब नहीं होगा। सेम का अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम सेम का दूसरा रेसिपी बनाएंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।